श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनित नाम ने नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रचाय भूतले नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्य देशतारिणे दैत गदाधर शिव गौर भक्त हे कृष्ण Thank you.
पावन हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. I am extremely happy to welcome His Grace Radhishyam Prabhu and Bhopal. Thank you so much, Prabhu, for accepting our invitation. Prabhuji just returned from USA after a long trip and started traveling all across India. So everyone knows about Radhishyam Prabhu, but for our purification, we want to just briefly tell about Radhishyam Prabhu. Prabhuji is a source of inspiration of many, many thousands, millions of devotees, especially youths from all over the world. And we almost everyone here, you know, grown up by hearing and listening Prabhuji's lecture. In our ashram, every ashram actually, if you go anywhere, you can listen Prabhuji's lecture is going on. So, so, you know, in Chaitanya Charitamrita it says, Krishna Shakti Vina Nahi Tara Pravartan. And Prabhuji took Krishna consciousness to different heights, which no one could think even, you know, 2-3 decades before, that one day so many educated youths, you know, from all over the world, they will accept Krishna consciousness seriously. That is actually, you know, because of the initiative of Radhishyam Prabhu. Prabhupada says, you know, a perfect leader means who can create another leader. And we can see so many leaders, you know, in different projects in ISKCON, they are leading so many projects. They are actually, they got trained by, personally trained by Radhishyam Prabhuji. So, a lot, you know, to tell about Radhishyam Prabhuji, but we'll listen again in the evening seminar. We would like to welcome Radhishyam Prabhuji and express our gratitude by loudly one time chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, 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 Hare Hare. हिंदी इज बेटर भोपाल के जनता के लिए प्रसानंद प्रभु ने गोपाल को दिया। इधर पहले उज्जैन से आए हुए भक्तों का कुछ इस तरह का मंदिर नहीं था। इधर आते थे जाते थे, सिर्फ एक बेस में प्रचार करते थे। बाद में प्रसानंद प्रभु इतने अनेक सेंटर्स डेवलप कर दिया कोने कोने में, तो ये मंदिर प्राप्त हुआ उनको भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान के गीता के संदेश जो है उसमें तीन खास विषयों के बारे में भगवान बताते हैं गीता में, आइडेंटिटी, मेंटालिटी एंड सरेंडर। सर्वप्रथम आप गीता में देखेंगे भगवान आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है हमारी पहचान, असली पहचान क्या है उसके बारे में भगवान बताते हैं। आधुनिक दुनिया में आप देखते हैं विद्यार्थी लोग, स्त्री हो पुरुष हो, इतने गलत आदतों में फंस गए हैं। अभी कल ही हमारा एक मीटिंग हुआ था एक मैनेजमेंट कॉलेज के साथ,
उधर डायरेक्टर आए थे, अनेक लीडिंग टीचर्स आए थे, वो लोग बोल रहे थे कि हमारे उनके 80 कॉलेजेस हैं, बोलते हैं कि 80 के 80 कॉलेजेस में हम 2 क्रेडिट कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम भगवद गीता, ऐसे कुछ सिखाइए जिससे कॉलेज के बच्चों को प्रायोगिक जीवन में भी लाभान्वित हो सके और साथ साथ उनके आध्यात्म के साथ भी उनका कुछ परिचय हो सके, क्योंकि आध्यात्म की ओर ना मुड़ने के कारण अनेक कॉलेज के विद्यार्थी गलत अश्लील कार्यों में लगते हैं, साथ साथ खतरनाक आदतों में भी जुड़ जाते हैं जो उनके जीवन को भी चूस सकता है। तो इसलिए हमारे बच्चों को बचाइए, ये उनका विनती था मीटिंग में। तो 3 चीज उन्होंने विनती किया करने के लिए, आइए हमारे कॉलेजों में, आपके साधु ये कपड़े पहन कर भी आ सकते हैं, किसी को भी भेजिए आप, लेकिन वो बोले कि हमारे बच्चों को कम से कम हफ्ते में 2 घंटा का प्रोग्राम होना चाहिए हफ्ते में, ऐसे उन्होंने 40 घंटा दिया है, उस मतलब 20 क्लास कम से कम फर्स्ट ईयर, जो 600 बच्चे हैं उनका, बोलते हैं कि उनको क्लास कीजिए, एक चीज़। दूसरा है ऐसे हर महीने नहीं तो हर 2 महीने हमारे सब फर्स्ट ईयर बच्चों को आपके मंदिर में लेके जाइए, उनको नचवाइए, उनको उनको डांस करवाइए, उनको डांस करना, कीर्तन करना, भगवान के लिए प्रदक्षिणा करना, इस तरह भक्ति संस्कार उनको प्राप्त हो मंदिर में आकर। इसको फील्ड विजिट बोलते हैं, उनका फील्ड विजिट। और तीसरा है आजकल के बच्चे हमेशा स्मार्टफोन लेकर बैठे हैं, हमेशा वीडियो देखते रहते हैं, गंदे गंदे चीज़ों को देखकर फंस जाते हैं, इसलिए उनको उनके हाथ पैर के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़, कुछ सेवा दीजिए उनको, जिससे वो, या तो अगर आप फुटफॉर लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो हमारे बच्चों को लगाइए फुटफॉर लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन करने में, इस तरह कुछ गांव में कुछ करना तो विलेज को अडाप्ट करके कुछ अच्छा कार्य निस्वार्थ भावना के साथ वो करे। ये 3 चीज उन्होंने विनती किया है, क्योंकि दे वांट प्रैक्टिकल एंगेजमेंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड दे वांट डिवोशनल संस्कारास टू कम टू टेम्पल एंड गेट कनेक्टेड एंड हैव अ हैबिट ऑफ गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू गॉड एंड ऑल्सो सिस्टमैटिक एनलाइटनिंग एंड एनलाइवनिंग नॉलेज ऑफ द गीता। ये 3 चीज का प्रोग्राम बनाने के लिए उन्होंने विनती की है। और ऐसे कॉलेज में आपको आश्चर्य होगा, 1 पीरियड 2 घंटे के पीरियड के लिए वो लोग 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, दे आर गिविंग जस्ट फॉर 1 पीरियड 2 आवर पीरियड। सो कॉलेजों में पैसा की आजकल कमी नहीं है, उनके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन चरित्रवान इंसान को बनाने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है, जो श्रील प्रभुपाद जी उनकी किताबों में दिया। इसलिए चरित्रवान जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम जरूरत क्या है, आइडेंटिटी समझना है। जैसे हमने सुना कि एक कुत्ते को नारियल मिला, बड़ा नारियल, वो उसको खाने के लिए ऐसे उसके रेशा बोलते हैं ना, उसको रेशा को काट रहा था, उसको रुचि नहीं मिला उसमें, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा फल है क्यों रुचि नहीं है इसमें, टेस्ट स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। तो एक किसान आया उधर, किसान ने बोला कि ये कुत्ते देखो हम आज धूप बहुत कड़ी है, मैं नारियल को काटूंगा और मैं थोड़ा मैं दूध पी लेता हूँ और तुम नारियल खाओ। वो कुत्ता बोला निकट मत आओ, चले जाओ, ये हमारा है, हम नहीं देंगे। तो कुत्ते खुद भी नारियल का आस्वादन कर नहीं पाया, दूसरे से सीखने के लिए भी वो तैयार नहीं था। तो आधुनिक दुनिया के विद्यार्थी बच्चे ऐसे ही हैं, खुद भी वो खुद को भी मालूम नहीं मैं कौन हूँ, दूसरों से सीखने के लिए भी तैयार नहीं है, इस तरह रहते हैं। तो नारियल के रेशा जो है वो हमारे स्थूल शरीर के बराबर है, उस नारियल के अंदर जो एक शेल होता है, क्या बोलते हैं उसको, शेल, एकदम हार्ड शेल होता है अंदर, हाँ उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर जो नारियल है वो आत्मा जैसा है, वो नारियल के अंदर जो पानी है वो कृष्ण प्रेम आत्मा के अंदर, इस तरह। तो इसमें अच्छे पदार्थ क्या है हमारे लिए,
खाने के लिए योग्य क्या चीज है नारियल में, वो जो अंदर सफेद नारियल है और नारियल का पानी है, वो ही हमारे लिए उचित है खाने के लिए, करेक्ट है ना। इसी तरह आत्मा और आत्मा के हृदय में निवास करने वाले जो भगवान के लिए प्रीति जो है, ये ही सार है इस शरीर में। नहीं तो ये स्थूल शरीर किससे बनाया हुआ है, मांस से, हड्डी से, मलमूत्र से, गंदे पदार्थों से बनाया हुआ है। और उसके अंदर जो मन जो है, उसके अंदर भी अनेक गंदगी है, जैसे काम, क्रोध, मतलब मोह, मत्सर इत्यादि विकार हैं उनमें भी। तो इसके कारण दोनों स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जैसे इनर वेयर आउटर वेयर बोलते हैं ना, जैसे आप लोग कोट पहने हो, कोट के अंदर कभी बनियन पहनते हो, इस तरह स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर आत्मा बैठा, आत्मा है उसके अंदर, जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा हो, नहीं तो पिंजरे के अंदर पंछी है ऐसे। तो सारे दुनिया आत्मा की व्यक्तित्व को न जानकर शरीर को ही शरीर को ही देह को ही खुद मानता है, जैसे इसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं, देह को खुद समझ लेना, मैं ही ये देह हूँ, जो आईने में देखता हूँ वो ही मैं हूँ, इस तरह सोचना, उसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं, देह को आत्मा मानना। ये जानवरी प्रवृत्ति ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं, कारण क्या है, जैसे हमारे पुणे मंदिर में बड़ा सुमो है, हम कभी कभी सुबह सुबह प्रातः काल में हम विद्यार्थियों के कार्यक्रम के लिए हम निकलते हैं सुमो में, जब हम सुमो में बैठकर बाहर निकलते हैं मंदिर से, कोई कुत्ता सड़क में, गली का कुत्ता जो होता है, देखता है कि हे ये क्या बड़ा प्राणी भाग रहा है, तो भी पीछे भागता है, भाव भाव भाव, क्योंकि वो देख नहीं पाता है कि ये सुमो गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर भी बैठा है, वो देख नहीं पाता, सिर्फ गाड़ी को सोचता है जैसे हाथी जैसे कुछ बड़ा प्राणी है ऐसे सोचता है वो। इस तरह लोगों के शरीर को देखकर आकर्षित होना, नहीं तो खुद के शरीर को ही खुद मानना, इसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं। ये जानवरों को देह से ऊपर कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मनुष्य को ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरा असली आइडेंटिटी है, असली व्यक्तित्व है, और शरीर नश्वर है, आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा को कोई कैंची से काट नहीं सकता, आत्मा को कोई आग से जला नहीं सकता, आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता, आत्मा को कोई बिगा नहीं कर सकता। अगर आत्मा, जैसे हम लोग अगर कुछ तालाब स्विमिंग पूल में अगर हम स्विमिंग के लिए सीखने के लिए जाते हैं, अगर वो 30 फीट 30 फुट गहरा हो, कोई अंदर नीचे जाकर मर भी जाते हैं, करेक्ट है ना, अगर किसी को स्विमिंग नहीं आता तो अंदर जाकर मर जाते हैं। अगर आत्मा को 30 फीट नीचे डालो कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि आत्मा आत्मा जो है वो आध्यात्मिक पदार्थ है। जैसे भगवान कृष्ण और बलराम, वो जब मथुरा में इनको देखा, जरासंध, जरासंध के पास 23 अक्षौणी बड़े सेना को लेकर आया जरासंध। तो भगवान की इच्छा नहीं थी कि हमें झगड़ा नहीं करना इसके साथ, अभी रुक्मिणी का लेटर आया था, भगवान ने सोचा कि इधर से निकल चलो। दोनों कृष्ण और बलराम उधर से भागने लगे युद्ध छोड़कर। देखिए इस दुनिया में अगर कोई युद्ध छोड़कर भागता है तो लोग मजाक उड़ाएंगे उसकी, लेकिन भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ राय, क्योंकि 17 बार उन्होंने जरासंध को पराजित कर दिया था। अभी 18वां बार भगवान ने सोचा कि हमको लड़ाई नहीं करना है हमको इसके साथ, क्योंकि दूसरा कुछ खास काम है। जब वो भाग रहे थे, पीछे पड़ा जरासंध रथ के ऊपर चढ़कर भागते भागते हुए ऐसे बता गया, पलायमानौ तदृष्ट्वा मागध प्रहसन बलि, पीछे रथ में बैठकर पीछे किया और हंसने लगा जोर से, देखो कृष्ण बलराम दोनों भाग रहे हैं कायर लोग, ऐसे उन्होंने डांटा भी उनको। भगवान ने परवाह नहीं की, एक बहुत बड़ा पहाड़ था प्रवर्षण नाम का, उसके ऊपर चढ़ गए भगवान दोनों, पूरा हरियाली थी उसमें, तो पहचान नहीं पाया भगवान किधर है, छुप गया क्या कुछ जाड़ के अंदर, क्या भाग गया क्या, उसको पता नहीं था इतने बड़े पहाड़ है उसके ऊपर कैसे पहचानेंगे उसको।
तो तुरंत बुलाया अपने सब सेना को, बोला कि पूरा राखिल डालो और जलाओ सारे बहुत बड़े पहाड़ को, अंदर ही अंदर कहीं भी छुपे हुए हों उधर ही जैसे कि वैसे वो लोग जलकर राख बन जाएंगे ये योजना से। लेकिन भगवान ऊपर 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 चढ़ते गए, जब आग बढ़ा ऊपर चढ़े, एकदम ऊपर जाने के बाद ऊपर से दोनों कृष्ण बलराम कूद पड़े उधर से, कितना 90 मील ऊंचे था वो, 90 मील ऊंचे एक पहाड़ से कोई कूदेगा तो क्या उसका ना उसका हड्डी भी नहीं बचेगा, उसका चूर चूर हो जाएगा उसका। लेकिन भगवान इतने दूर से कूदते हैं और आगे के श्लोक में बताया गया कूदने के बाद भगवान उधर से द्वारका चले गए, ऐसे बताया गया बस, क्योंकि भगवान का दिव्य शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है भगवान का। तो इस तरह जिसके पास आध्यात्मिक शरीर हो वो कभी वो शरीर मरता नहीं, मर मिटता नहीं, शाश्वत काल के लिए जैसे कि वैसा रहता है, एक स्क्रैच भी नहीं आता उसमें। इसी तरह भगवान ने नारद जी को भी आशीर्वाद दी थी कि नारद तुम कहीं भी उड़ सकते हो, वैकुंठ में जा सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो, तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं, तुम अमर होकर शाश्वत अपने दिव्य शरीर के साथ तुम चरण कर सकते हो। हाँ, ऐसे भगवान ने उनको आशीर्वाद दी थी। नारद को जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ हम सब लोगों को भी प्राप्य है, क्योंकि आत्मा जो है आत्मा के कल्याण के लिए जो काम करेगा वो बुद्धिमान है, और अगर कोई शरीर के लिए काम करेगा वो चीज़ शरीर के शरीर जब छूटता है तब उसके साथ छूट जाएंगे। हमने एक कहानी सुना, एक व्यक्ति था उसके पास 4 बीबियाँ थी, 4 पत्नी थी उसकी, तो जो चौथा जो पत्नी थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत उसको हमेशा वो लेके जाता था पार्टी में लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन डर भी था कि कोई और उसको उठा कर ना लेके जाए, वो भी डर था उसको, वो चौथी थी ऐसे। तो तीसरी जो थी वो उसके वो बहुत प्रेम करता था उसको, उसका प्रेम करता था, साथ में रहता था हमेशा। वो दूसरी जो थी वो उनको पूछताछ करता था कैसे, वो हमेशा उसके साथ वो भी जुड़ा हुआ रहता था, लेकिन पहली वाले जो है उसको नेग्लेक्ट किया, उसने रिजेक्ट किया उसको। तो उसका अंतिम काल जब आया उसने एक एक करके पत्नी को पूछा कि कौन मेरे साथ आने वाले हो। चौथे को पूछा, वो बोली दुनिया इतना सुंदर है तुम्हारे साथ क्या आने का, तुम जाने के बाद मैं किसी और के साथ विवाह कर लूंगी, ऐसे बोली वो। और तीसरे वाली वो बोली कि नहीं नहीं मैं कैसे आ सकती हूँ, अगर आप जा रहे हैं तो मैं आ नहीं पाऊंगी, ऐसे बोली वो। दूसरे वाली वो बोली कि हम तुमको प्रेम बहुत करते हैं लेकिन हम श्मशान तक आएंगे, आगे नहीं आ पाएंगे, ऐसे बोले। तो वो पहली वाली बीबी जिसको उन्होंने नकार दी थी, उनके ऊपर ध्यान नहीं दी थी, वो जो थी उसको बुलाया, वो बोली कि मैं आए आपके साथ चलूंगी, आप कहीं भी जाओगे मैं आपके साथ चलूंगी। तो ये 4 पत्नियां कौन कौन है बताया गया कि चौथे पत्नी जो थी वो धन दौलत हमारे संपत्ति जमीन इत्यादि। तो इस दुनिया में हर एक इंसान दिखाना चाहता है कि इतने हमने कमाया है, जैसे नरीमन पॉइंट में एक व्यक्ति काम करता था मुंबई में, बड़ा स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग था, तो बस स्टॉप में खड़े होकर दिखाया अपने फ्रेंड को, देखो सबसे ऊंचा जो टावर दिख रहा है इधर वो हमारा कंपनी है, ऐसे देखा उसने, बहुत गर्व से बोला। अगले दिन उसका नौकरी जुट गया, अभी उसका संबंध किधर रहा उस कंपनी के साथ, आज है संबंध कंपनी के साथ, अगले दिन छूट गया। इस दुनिया में धन दौलत जमीन बैंक बैलेंस इत्यादि जो रहता है वो चौथी पत्नी के बराबर है। तो इंसान दिखाना चाहता है लेकिन कभी भी वो छूट भी सकता है, जैसे वो डरता है कि कोई उसको उठा कर लेके जाएंगे। तो तीसरा बीबी जो होती है वो उसका देह का शरीर, हम लोग देह को बहुत पसंद करते हैं, लोग पाउडर लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तेल लगाते हैं, शरीर को अच्छा रखने के लिए जिम में जाते हैं, अच्छा है अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं शरीर को, करेक्ट है कि नहीं,
इस दुनिया में लोग शू कॉन्शियस, बेल्ट कॉन्शियस, जीन्स कॉन्शियस, टी शर्ट कॉन्शियस, मुस्टाच कॉन्शियस, बियर्ड कॉन्शियस, हेयर स्टाइल कॉन्शियस, एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस छोड़कर सब कॉन्शियस है कि नहीं इस दुनिया में। तो शरीर को इतना सजा, इसी तरह एक इंसान अपने देह को सजाता है, अच्छा रखता है, इस तरह वो भी उस बीवी को अच्छा रखता था, लेकिन वो बोले कि जब तुम आत्मा शरीर से छूट जाता है, वो देह उसके साथ नहीं जा सकता, इसलिए तीसरे बीवी ने भी बोला मैं जा नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ। दूसरा वाला बीवी कौन थी, वो नाता रिश्ता, जैसे हमारे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, जो मामा मामी, ऐसे माता पिता, ऐसे अनेक लोग जो हमारे नाता रिश्ता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, बीबी आएगी दरवाजे तक और बाकी नाता रिश्ता लोग हो सकता है शमशान तक आएंगे, ऐसे खड़े रहेंगे, शरीर को आग लगने के बाद निकल जाएंगे, वो लोग आत्मा के साथ नहीं जा सकते वो, इसलिए वो भी बोले कि मैं आ नहीं सकती आपके साथ। लेकिन पहला वाला जो होता है, जो वो परमात्मा है, परमात्मा ने बोला जीवात्मा को मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम कहीं भी जाओगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ आऊंगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक चीज है हमें, ये अपने आप को पहचानना। इसलिए भगवान 2.13 भगवद गीता में पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। रोने वाले अर्जुन बाद में मुस्कुराने लगा, गांडी में लेकर लड़ाई करने लगा, कैसे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा अजर है, अमर है, ये आइडेंटिटी है। दूसरा है भगवान सिखाते हैं मेंटेलिटी। अब आगे जाएंगे भगवदगीता में, भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में 8वें अध्याय में पढ़ेंगे आप, 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो भी यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अर्जुन, जो जिस तरीके से जीवन जीता है इंसान, जानवरी प्रवृत्ति के साथ नहीं तो दैवी प्रवृत्ति के साथ जिस तरह जीवन जीता उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त होने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सड़क में अपने कार में जाते समय एक सुंदर घर को देखा, रंग बिरंग आजकल लोग सुंदर घर बनाते हैं, मुझे भी इसी तरह कोटी बनाना है, उसको इच्छा हो गई, तो अब उसके मन में एक इच्छा उदय हो गई है ना, लेकिन पैसा है नहीं उसके पास, अभी कमाता है कमाता है कमाते जाता है, 5-6 साल कमाया उसने, भरपूर पैसा मिलने के बाद वो बुलाता है एक सिविल इंजीनियर को, बुलाता है एक ब्लू प्रिंट बनाओ उसी घर जैसे हमको घर बनाना, हमको भी तो जमीन ले लिया, घर बनाने के लिए ब्लू प्रिंट बनाया, तो उसके बाद सब सामग्रियों को एकत्रित करेगा वो, है ना, रेनफोर्स बार्स हो, सीमेंट हो, पत्थर हो, ईट हो, सब कुछ, और मिस्त्री बोलते हैं, मिस्त्री को बुलाकर घर को बांधेगा वो, है ना, तो उसके बाद घर को पेंटिंग वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, सब रूम तैयार हो गया, तो उधर जाकर रहेगा वो। इसी अभी 3 स्तर पर होता है, करेक्ट है ना, पहले मन में इच्छा हुई, उसके बाद ब्लू प्रिंट आया, उसके बाद घर बांध गया। इसी तरह हम लोग इस जन्म जीते समय अगले जन्म के लिए ब्लू प्रिंट तैयारी कर रहे हैं हम लोग, हमारे सोच विचार से, हमारे बोल चाल से, हमारे व्यवहार से ब्लू प्रिंट तैयार कर रहे हैं। वो ब्लू प्रिंट प्राप्त होने के बाद जब मृत्यु हो जाएगा शरीर का, तब अगले शरीर अगर नया घर के बराबर है, वो तैयारी हो जाएगा, उसका मतलब हम लोग सीमेंट, रेनफोर्स बार, पत्थर सब अभी ला रहे हैं अगले शरीर के लिए, तैयारी चल रहा है अभी, काया वाचा मनसा, हम जो कार्य करते हैं उसके द्वारा। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जिसका मति किसी के मति के अंदर कृष्ण का रति जग गया, तो उसको जरूर सदगति प्राप्त हो जाएगा, उसको भगवान के दिव्य धाम प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी के अंदर ये रति जगा नहीं तो दुनियादारी चीजों में उसका मन उलझ रहा है, वो हमेशा सोच रहा है खाने के बारे में सोच रहा है, स्वर्ण के बारे में सोच रहा है, मैथुन के बारे में सोच रहा है, इस दुनिया में कैसे कैरियर बनाना सोच रहा है, भगवान के लिए समय नहीं दिया, नाम नहीं जपा, गीता भागवत नहीं पढ़ा, आगे नहीं बढ़ा भक्ति में,
तो उसको कैसे गति प्राप्त हो सकता है। इसलिए हरेक बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान बताते हैं कि दो पथ है, एक है इंद्रिय तर्पण का पथ है, दूसरा है भगवत प्राप्ति का पथ है। तो इंसान को इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय तर्पण में मन को डुबा कर नहीं रखना चाहिए, भगवत प्राप्ति को भगवत प्राप्ति के पथ में चलना चाहिए। इसलिए भगवान बताते हैं मेंटालिटी, तुम्हारा मेंटालिटी क्या है। ऐसे मेंटालिटी के बारे में बोलते बोलते भगवान 14वां अध्याय 16वां अध्याय इधर भी बताते हैं, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बारे में बताते हैं, उधर भी मेंटालिटी के बारे में बोलते हैं। तो सही मेंटालिटी को अपनाओ। 13वां अध्याय में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, पुरुष प्रकृति स्थो हि भुंते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोश्च सद सत्यो निजन्मसु। हे अर्जुन, इस दुनिया में सत योनि असत योनि दोनों प्राप्त होता है जीव को। अगर उसने अपने आप को पुरुष मान लिया, भोग करने के लिए इस दुनियादारी चीजों के पीछे भागता हो तो उसको असत योनि प्राप्त होता है। अगर अपने आप को प्रकृति माना, मैं भगवान का एक दास हूँ, भगवान की सेवा में जुड़ूंगा, यह भावना को जगा दिया उसने, तो उसको सत योनि प्राप्त होता है। सत योनि का मतलब है मनुष्य शरीर और देवताओं का शरीर, ये सत योनि है। असत योनि का मतलब है जानवर पंछी जलचर चींटी इस तरह के, जो योनि में हम भगवान को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे उसको असत योनि बोला गया। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः। अगर कोई तमोगुणी प्रवृत्ति वाला हो तो अधोगति प्राप्त होता है नरकों में, उसको जन्म प्राप्त होता है। रजोगुणी लोगों को इस दुनिया में, सतोगुणी लोगों को ऊर्ध्व लोकों में। तो इस तरह हुआ मेंटालिटी से हमारे डेस्टिनी क्या प्राप्त होता है वो भी भगवान बताते हैं। तो गति क्या है, मेंटालिटी के अनुसार गति प्राप्त होता है। जैसे आप देखते हैं कंपनी में 1000 इंजीनियर ज्वाइन करते हैं एक ही टाइम में, 5 साल के बाद उनमें से सिर्फ 100 लोगों को टीम लीड बनाते हैं, और उन 100 लोगों में से आप देखेंगे और 5 साल के बाद और 10-20 लोग प्रोजेक्ट लीड बनते हैं, सबको नहीं प्राप्त होती। इसी तरह आप देखेंगे मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतिष्ठते, भगवान कहते हैं 1000 लोगों में से एक इंसान होता है जो भगवान के बारे में कोचता है वो, और ऐसे भगवान के बारे में कोचने वालों में से 1000 लोगों में से एक व्यक्ति को सही समझावट प्राप्त होता है, परंपरागत ज्ञान जो हम लोगों को इससे प्राप्त हुआ है प्रभुपाद की किताबों के द्वारा। और जिनको प्राप्त हो गया सही समझावट, उसके बाद वो समय की बर्बादी ना करते हुए भगवतधाम लौटने के लिए उसको मार्ग प्राप्त हो गया, उस पथ में चलना चाहिए उस जीव को। वो तीसरा पॉइंट मैंने बताया, सरेंडर, आइडेंटिटी, मेंटालिटी और शरणागति, सरेंडर। वो आप देखेंगे गीता सब बोलने के बाद भगवान अंत में बोलते हैं अर्जुन को, कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। अर्जुन, क्या ध्यान पूर्वक सुना तुमने भगवत गीता, इतने 700 श्लोक बोल चुका हूं मैं, सुना क्या तुमने, तुम्हारे कान के अंदर घुसा का ये ज्ञान मैं जो बोला समझ गया कि नहीं तुम? ऐसे कच्चिदेत श्रुतम पार्थ त्वय एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त के साथ सुना क्या तुमने। तो हम लोग स्कूल में जब थे, एक मैथमेटिक्स टीचर थी, वो ऐसे लिखती गई बोर्ड में, मुड़कर देखकर बोला कि अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, तुम्हारे दिमाग में घुस गया क्या, ऐसे पूछा उन्होंने। तो एक लड़का बोल रहा था, हाँ मैडम घुस गया। पूछे क्या है, एक चिपकली है वो चित्र के अंदर घुस गया, कहीं तो देख रहा था, ऐसे बोल रहा था। वो देखता रहा जा रहा चिपकली अंदर गया, चींटी है उसके उसके जो पूंछ बाहर है, आते में मैडम पूंछ भी गया अंदर, वो भी चला गया, ऐसा बोल रहा था। क्योंकि देख रहा था कहीं और हुआ है ना, क्लास ध्यान पूर्वक नहीं सुना, इसलिए भगवान ने पूछा उसको, कच्चिरे दक्षुतम पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया क्या, ऐसे भगवान पूछ रहे हैं। तब अर्जुन ने बोला, नष्टो मोह, मेरे मोहग्रस्त अवस्था नष्ट हो गया, अभी मैं देहात्म बुद्धि में नहीं हूँ भगवान, मैं समझ गया कि मैं आत्मा हूँ, आप परमात्मा हो,
नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मुझे दिव्य स्मृति वापस आ गया, तत्प्रसादान मया अच्युत, आपके कृपा से ही ये प्राप्त हुआ मुझे, गतः अस्मि स्थितः अस्मि गत संदेह, मैं स्थित हो गया हूँ कृष्ण भावनामृत में, गत संदेह सब तारे संदेह शंकाएं दूर हो गई, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके आदेशानुसार मैं अभी करूँगा, आप जो बोलेंगे वो करूँगा। तो इस तरह अर्जुन शरणागति प्राप्त करता है भगवान के श्री चरण में। तब भगवान बोले, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः। हमारे एक आचार्य ने बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है, इस दुनिया में अनेक धर्म है, जाति धर्म है, कुल धर्म है, परिवार धर्म है, स्त्री धर्म है, देश धर्म है, ऐसे अनेक धर्म है इस दुनिया में। हमने सुना कि हैदराबाद में एक व्यक्ति है, वो अपने गाड़ी लेकर गली गली में जाकर गली के कुत्तों को भोजन देता हो, उसको चिंता है कि अगर कौन देंगे इन कुत्तों को, तो पूरा जीवन उसमें बिता रहा हो। ऐसे कुछ लोग, कुछ वो उसको भी धर्म मानकर करते हैं लोग है? कुछ कुछ लोग हैं मछलियों को सुरक्षा देना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम है पानी में आजकल के अनेक इस कारण। कुछ लोग एक संगठन चालू किया है जैसे मधुमक्खियों को बचाने के लिए, आजकल मधुमक्खियों को डायरेक्शन नहीं मिल रहा क्योंकि बहुत कुछ सिग्नल्स आ गए ना इसके कारण। ऐसे अनेक लोग अलग अलग संगठन बनाते हैं, कोई तमिल सभा बनाता है, कोई केरला सभा बनाता है, कोई महाराष्ट्र सभा बनाता है ऐसे स्कूलों में कॉलेजों में उनका तो अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। कुछ लोग अपने जाति के लोगों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग अपने देश के लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन भगवान बताते हैं कि ऐसे अनेक धर्म है अर्जुन, क्योंकि ये सब धर्म शरीर के स्तर पर धर्म है, लेकिन आत्मा की धर्म क्या है वो परो धर्म बोलते हैं उसको। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। ये आत्मा का भी धर्म है, वो क्या है, भगवत प्रेम को जगाकर भगवान की भक्ति में जुड़ना, भगवान की सेवा में जुड़ना, जैसे हनुमान सेवा करता है भगवान प्रभु रामचंद्र की, इस तरह गोप गोपियां सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की, इस तरह तुम आत्मा के सेवा, आत्मा जो सेवा करता है भगवान की, उस धर्म को पकड़ लो है। तो इसलिए बताते माम एकम शरणम ब्रज का मतलब है शरण, ब्रज का मतलब है डू, लेकिन आचार्य बोलते हैं कि ये शब्द डू का मतलब करो, उसके लिए संस्कृत में अनेक शब्द हैं, लेकिन भगवान ने क्या शब्द चुना, ब्रज। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों जैसे तुम शरण लो, ऐसे एक आचार्य ने टीका दिया है। वृंदावन में लोग जिस तरह शरण लेते हैं भगवान के पास, जब गोवर्धन लीला में जब भगवान पर्वत को उठाते हैं, तो पर्वत उठाने के पहले ब्रजवासी भगवान के पास जाकर एक श्लोक बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभागपन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान कुपितात् भक्तवत्सलः। एक देवता कुपित होकर एकदम बड़ा मूसलाधार वर्षा कर रहा है, हम आपके पास आ गए, आप ही हमारे लिए गति है। देखिए गाय बछड़ों को देखिए क्या अवस्था है इनकी, तो आप ही इनको बचाइए, सब बस आप पहुंचे उनके पास, उनको कृष्ण को छोड़कर दूसरा गति नहीं है भगवान के भक्तों को। तो इस तरह शरणागति कैसे करना चाहिए, शरणागति मतलब हमें समझना चाहिए कि भगवान ही मेरे पालन पोषण करने वाले व्यक्ति होते हैं, भगवान ही मेरे सुरक्षा प्रदान करने वाले होते हैं, भगवान ही मेरे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, भाई हैं, मेरे द्रविण हैं, मेरे सर्वस्व हैं। इस भावना के साथ हम लोग भगवान के पास जाना चाहिए। और इसका और एक उदाहरण है, जैसे अभी विजयवासियों का मैं बता रहा था आपको, द्वारकावासी भी एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, उसको बोलकर हम प्रवचन को विराम देते हैं। भवायनस्त्वं भवविश्व भावनः त्वमेव माता सुहृत्पति पिता त्वां सद्गुरुर्न परमं च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिरो बभूविम। ऐसे एक श्लोक द्वारकावासी बोलकर भगवान को गुणगान करते हैं,
द्वारका में जब भगवान प्रवेश करते हैं अंदर, बोलते हैं कितना सुंदर दुनिया बनाया आपने हम लोगों के लिए, और दुनिया बनाकर आप चला भी रहे हो इसको, और इस दुनिया में हमारी सब जरूरतों को आपने पूर्ति की है। हम लोग आना चाहते हैं, लेकिन वही वैज्ञानिक लोग क्या बनाकर दे सकते हैं आपको? वो स्मार्टफोन बनाकर देंगे, कंप्यूटर बनाकर देंगे, एरोप्लेन बनाकर देंगे, लेकिन वो लोग खाने के लिए क्या दे सकते हैं आपको? तो भगवान ही धान्य देते हैं, करेक्ट है? भगवान देते हैं पोटैटो चिप्स, साइंटिस्ट देते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। इलेक्ट्रॉनिक चिप कोई खा सकता है? लेकिन पोटैटो चिप्स भगवान देते हैं। भगवान जो देते हैं खाने के लिए योग्य पदार्थ भगवान ही दे सकते हैं, अनादिकाल से दे रहे हैं, अनंत काल तक देंगे वो। इस तरह बताते हैं कि आपने कितना सुंदर सुंदर चीजें बनाया दुनिया, सुंदर रंग बिरंगे फूल, बहुत विविध रस के फल, और इतने खाने के पदार्थ बनाकर छोड़ा है आपने। इस तरह बताते हैं भवाय नस्तुम भव विश्व पावन है त्वमेव माता, इसलिए अब माता हो क्योंकि माता स्तनपान कराते हैं बच्चे को और पिताजी सुरक्षा प्रदान करता है, तो आप माता भी हो, आप पिता भी हो, दोनों हो आप हमारे लिए, ऐसे बताते हैं। और त्वम सद्गुरु न परमम च दैवतम, आप हमारे गुरु भी हो। क्यों? क्योंकि आपने आदिकाल में ब्रह्मा जी को आत्मबोध देकर उनको उनको प्रथम गुरु बनाया हमारे परंपरा के, तो परंपरागत ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है। इसी तरह आपने अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर गीता का बोध दिया, जिसको हम पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे गुरु भी हो। आप माता भी हो, पिता भी हो, गुरु भी हो, भाई हो, बंधु हो, सब कुछ हो आप। और यशानुवृत्या कृतिनो बभूवि, मतलब है आपके अनुयायी बनकर हमारा जीवन धन्य हो गया है, और सब तरह के गंदे आदतों को छोड़कर हम लोग सही पथ में ऐसे आनंदमय जीवन आप जी रहे हैं आपकी कृपा से, आपके कारुण्य कटाक्ष से। तो हम आपके ही अनुयायी बनेंगे, आपकी ही पूजा करेंगे, आपके ही गुणगान करेंगे, आपके लिए जिएंगे, और जन्म जन्म आपके लिए भक्ति करते रहेंगे। इस तरह द्वारकावासियां भगवान की गुणगान कर रहे हैं, ये शरणागति है उनकी। तो इस तरह आइडेंटिटी, मेंटालिटी एंड सरेंडर, तो भगवान ने गीता में खास करके यही विषय के ऊपर जोर देते हैं भगवान। हालांकि ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म ये पांच विषय है गीता के, लेकिन इन पांच विषयों को सिखाते समय भगवान इन तीन विषयों के बारे में जोर देते हैं। हमें जानना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और मुझे दैवी संपत्ति को एकत्रित करना चाहिए, आश्रित संपत्ति को त्यागना चाहिए, और शरण जाने के लिए योग्य व्यक्ति भगवान ही है। इस दुनिया में पुलिस हो, डॉक्टर हो, कमांडोस हो, नहीं तो हमारे नाता रिश्ता हो, ये सब हमारे बैंक बैलेंस हो, इनकी शरण लेने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये सब छूटने वाली चीज है। लेकिन भगवान की श्री चरण, नेताय चरण सत्य तहार सेवक नित्य, भगवान के श्री चरण ही परम सत्य है। हमारे मृत्यु के बाद भगवान के चरण को ही देखेंगे, वो शाश्वत शरण जाने के लिए योग्य चीज है, ऐसे बताते हैं। तो आप लोग राधा गोविंद जी की सेवा में लगे हो, और प्रभुपाद की गीताओं को पढ़कर समझकर आप लोगों को इसमें एक तरह का निष्ठा प्राप्त हुआ है, और इसी निष्ठा को हमें दूसरों को प्रदान करना चाहिए। प्रभुपाद की अपेक्षा थी हम उनके किताबों का वितरण करें, हरिनाम संकीर्तन करें, और हम प्रसाद का वितरण करें, और स्कूल में, कॉलेजों में, कंपनियों में, घर घरों में, गली गली में भगवान का नाम गूंजे, और इस दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। ये प्रभुपाद जी की बहुत स्ट्रांग इच्छा थी, भगवान का भी यही इच्छा है। तो आप लोग इस तरह करते जाइए, भक्तों के संख्या का वर्धन कीजिए, और प्रभुपाद जी और सब गुरुजनों को खुश कीजिए। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की, और भक्त वृंद की, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा आपको प्रसाद बिंदु आपने बताए, तीन नए भक्त, मेंटलिटी एंड सरेंडर, आइडेंटिटी मेंटलिटी एंड सरेंडर। गुरु जी देखते हैं कि इतना समय बीतने के बाद भी जनरली भक्तों के जीवन में भी दो स्थितियां आती हैं, यदि कोई शारीरिक या सामाजिक व्यवधान है तो हम लोग बॉडीली कॉन्शियस जाते हैं, और या फिर शरीर सब कुछ ठीक चल रहे हैं तो उसमें भी फिर हम
नेम फेम एकत्रित करने में लग जाते हैं, दोनों एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तो इनसे कैसे बचें और कैसे हम वास्तव में समझ पाएं कि हम हमारा आत्मा है। और कभी क्योंकि बोलते तो हैं, हम भी कक्षा में बोलते रहते हैं कई बार, लेकिन उसको समझ पाना और उस पर कार्य करवाना थोड़ा कठिन लग रहा है। देखिए शरीर जो है ये तीन स्तर पर तकलीफ दे सकता है। एक उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति अगर साइकिल में जा रहा हो, नीचे गिर गया तो एक घाव हो गया घुटनी में, तो हम बचपन में उस घुटनी में अगर घाव हो गया, इतना चिल्लाता है, इतना रोता है, लगता है कि सारे दुनिया ये हो गया है, सभी घर में छोटा बच्चा कितना हल्ला गुल्ला करता है, करेक्ट ना? लेकिन वो छोटा प्रॉब्लम है। वो इससे बढ़कर अगर कोई सड़क में जा रहा था, क्रॉस करने के लिए भागा, ये गाड़ी आकर उसको ठोका ऐसे, तो उसका फ्रैक्चर हो गया उसका, ये थोड़ा और गंभीर है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुमको 3 महीना बिस्तर में लेटना पड़ेगा, और उसको ज्वाइन करने के लिए हमको स्टील रॉड वगैरह डालकर नट वगैरह डालते हैं, करेक्ट है ना? ये थोड़ा और गंभीर बात है। तो अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया तो अनेक लोगों की अनुकंपा चाहते हैं, फोटो भेजते हैं, मेरा फ्रैक्चर हो गया, आप थोड़ा आकर देखिए, हमको थोड़ा आश्वासन दीजिए हमको, करेक्ट है ना? ऐसे हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है, फ्रैक्चर हो गया। इससे भी बढ़कर किसी का दुर्घटना होकर एक्सीडेंट में कुछ लोग मर भी जाते हैं, दैट इज अदर एक्सट्रीम। तो लोएस्ट धर्म भगवान क्या बताते हैं गीता में, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बेस्ट चीज क्या हो सकता है, घुटनी में थोड़ा घाव हो गया बस, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा आयनमेंट लगाओ, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, माइसिन, माइसिन माइसिन ही आया है ऐसे, है ना? मेरे पाप के कारण ही कुछ हुआ है, घाव हुआ है, ठीक है, ठीक कर दो, आयनमेंट लगाओ, ठीक हो जाएगा दो चार दिन में। ये होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। लेकिन शरीर का अगर मृत्यु भी हो गया एक्सीडेंट में, बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि और एक रिप्लेसमेंट मिल जाएगा आपको, दूसरा शरीर मिलेगा, करेक्ट ना? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अगर हम दोनों एक्सट्रीम को सोच लिया हमने, और बीच में कुछ भी हो सकता है, भगवान बोलते हैं कि आफ्टर यू नो बोथ द एक्सट्रीम्स, बी डिटैच्ड एंड बी रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट एवर कम्स योर वे, जो भी होने वाला है। जैसे अगर कोई एरोप्लेन में उड़ रहा है, अचानक अनाउंसमेंट होता है कि कुछ इंजन फेल हो गया, अभी क्रैश होने वाला है, सब लोग तैयार हो जाओ। तैयार क्या होना है उनको, बाकी लोगों को मालूम नहीं है। एक बार मेरे गुरु महाराज आ रहे थे प्लेन में, मुंबई तक आ गया, वो अमेरिका से आ गया, लेकिन मुंबई में जब उड़ रहा था तब कुछ फेल हो गया कुछ इंजन, तब एरोप्लेन टॉ 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 ऐसे ऐसे जाने लगा, कंट्रोल चला गया उसका। तो तब अनाउंस किया उसने, पायलट ने अनाउंस किया, वी आर वेरी सॉरी टू अनाउंस देयर कैन बी अ टेरिबल एक्सीडेंट बिकॉज वी आर लूजिंग कंट्रोल, बिकॉज कुछ तो गड़बड़ हो गया उनके इंजन में ऐसे। उस समय महाराज बता रहे थे कि उनके निकट कोई योगी बैठा था दूसरा, वो बोल रहा था कि लाइफ इज सो गुड हियर, आई एम डूइंग योगासना, सब कुछ ठीक ठाक, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हरे कृष्ण करने की क्या जरूरत है। लेकिन एरोप्लेन जैसे टॉप लाने के बाद उसका उल्टा हो गया, ऐसे गिर गया, बोलने लगा स्वामी जी मंत्र क्या था, बोल दीजिए अभी, सोच रहा था तब पूछा, क्योंकि महाराज जपा कर रहे थे, उसको पता चल गया अभी तो क्रैश होने ही वाला है अभी। तो महाराज बोले कि कुछ ना कुछ करके एयरपोर्ट में जब आया, हाँ ऐसा गया, जाकर अंत में वो रुक गया वो प्लेन। तो महाराज बोले कि जब मुझे पता चला इस तरह कुछ क्रैश होने वाला है, मैं आंख बंद करके जोर से हम नाम ले रहे थे हम। तो भक्त लोग ही तैयार कर सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एक बार मैं गया था मुंबई में, हम लोग 7-8 लोग थे, एक लिफ्ट में घुस गए, उस लिफ्ट में लिखा है ओनली 8 पीपल लिखा है, हम लोग 8 लोग थे, उसमें एक बहुत थोड़ा मोटा था उसमें है, हम लोग घुस गए अंदर। तो लिफ्ट जाते समय बीच में रुक गया, वो 1 फ्लोर टू अनदर फ्लोर रुक गया बीच में, सब लोग उस मोटे भक्त को बोल रहे थे आपको घुसना नहीं था, इसलिए वो थोड़ा वेट बढ़ गया होगा। लेकिन लिफ्ट के अंदर जो लड़का था वो बोला नहीं नहीं इनका वेट की प्रॉब्लम नहीं, पावर कट हो गया। वो बोला कि अभी आ जाएगा, 1 मिनट में आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा, ऐसे बोला उसने।
तो हम लोग वेट कर रहे थे, एक मिनट हुआ, दो मिनट हुआ, तीन मिनट हुआ, आया नहीं पवन। हाँ, तो हम लोग बीच में सीमेंट दिख रहा है, बीच में हम एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर के बीच में, सिंपल लिफ्ट है वो, पुराना लिफ्ट है। तो वो लड़का बोल रहा है कि हाय हाय, पावर तो आता था रेगुलर, हमने सुना। वो बोल रहा है कि पिछले हफ्ते न्यूज़पेपर में आया था कि लिफ्ट में कुछ लोग फंस गए, मर गए। मैंने पढ़ा, क्योंकि लिफ्ट वाला ना पढ़ा है उसने, ऐसे बोल रहा है। तुरंत भक्त लोग माला लिया, जब माला ले लिया, अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, सब लोग कर रहे थे, क्योंकि वही कर सकते हैं, उससे क्या कर सकता है कोई, बीच में है, उधर जा नहीं सकते बाहर, आप दरवाजा खोल भी नहीं सकते, आप एकदम अंदर जाम हो गए हम लोग ऐसे। तो 21वां फ्लोर में जाना था, हम लोग सिर्फ 4-5 फ्लोर गए थे ऊपर, अचानक गया बीच में। तो सब लोगों ने सोचा कि अभी साथ में गोलोक, गोलोक से गोलोक जाएंगे तो अच्छा है। जपा कर रहे थे, एक भी कुछ नहीं बोला भक्त लोग, सब लोग, किसी का आंख खुला भी नहीं था, सब का आंख बंद था, इतना तीव्रता से किया माला, जूम करके 4 मिनट के बाद जाने लगा लिफ्ट ऊपर, उसके बाद श्वास लेने लगे, उसके बाद भक्त लोग। सो देयरफॉर होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द, अगर हम तैयार हैं तो हमें शरीर के बारे में चिंता नहीं होगा, उनको क्या हो सकता है शरीर का, थोड़ा व्याधि हो सकता है। एक भक्त बोला, प्रभु जी आपने 3 केस बोला, चौथा भी है एक बोला। मैंने बोला क्या है, वो बोल रहा कुछ लोग बिस्तर में लेटे लेटे 10 साल मलमूत्र का विसर्जन करते, हमको ऐसे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे फट करके निकल जाना चाहिए, वो उनकी इच्छा है। ठीक है, अगर आपके तकदीर में लिखा है तो फट करके निकल जाओगे आप, अगर तकदीर में लिखा है कि आपको जैसे घसीटते हुए और 10 साल बिताना हो तो क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान ईश्वर उनके उनके कटाक्ष हमारे ऊपर है ज़रूर। अगर हम माला कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, भक्ति में जुड़े हैं, तो भगवान की आँखें हमें देख रहे हैं हमेशा, हर क्षण। वंश्री हैव दैट फेथ, तकलीफों को भी हम झेल पाएंगे। जैसे मैं जब छोटा बच्चा था, मेरी माँ अस्पताल में लेके गई, तो डॉक्टर, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट था वो डॉक्टर, उसके बाद बड़े बड़े बॉटल में चॉकलेट है, वो बोला क्या चाहिए तुमको बताओ। मैंने बोला चारों का दे दो एक एक, चारों का एक एक दिया, दोनों हाथ पे दो तो ले लिया। हम देख रहे थे पहले क्या खाना, तो ये खाने ही वाले थे, अचानक इंजेक्शन दे दिया, बुद्धिमान है ना वो डॉक्टर है, तो इंजेक्शन दे रहा, हाँ मैं चिल्लाने लगा। मैं देखा कि मेरी माँ भी पकड़ रही है हाथ, जोर से पकड़ रही है, छोड़ नहीं रही है मुझे। मैंने सोचा अरे डॉक्टर को हम कोस सकते हैं, लेकिन माँ भी पकड़ रही है हाथ, बहुत नाराज हुआ, इतना आंसू बहाने लगा, इंजेक्शन हुआ। वो डॉक्टर बोला चिल्ला मत, हो गया बोल रहा था। होने के बाद उसके बाद दिया, तो मैं चिल्ला रहा था, बोला कि चॉकलेट खाओ अभी खाओ, तो मैं वो खाते खाते रोने लगा मैं। तो वापिस लौटते समय माँ को बोला कि माता, डॉक्टर इतना क्रूर व्यक्ति है, आपने उसको साथ क्यों दिया, आपने भी पकड़ा मुझे। तो वो बोली नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा हुआ, अच्छा इंजेक्शन अच्छा है, अभी आपको भी दूंगा, आपको लेके जाऊंगा अस्पताल में, आपको भी एक मिलेगा आपको इंजेक्शन, ऐसे बोला मैं। पता नहीं था हमको क्या है इंजेक्शन, लेकिन दवाई है उसके अंदर, करेक्ट है ना। तो अगर माँ है हमारे साथ, हम इंजेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमें माँ के ऊपर विश्वास, डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं। इस तरह अगर कृष्ण है आपके साथ, तकलीफ को भी हम झेल पाएंगे। कृष्ण के बिना तकलीफ को झेलना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों का वो बड़ा भाग्य है, भक्ति में जो जुड़े हैं उनके साथ कृष्ण है। अर्जुन और पांडवों ने कितने तकलीफों को उनको झेलना पड़ा उनके जीवन में, क्योंकि कृष्ण साथ में थे। कृष्ण जीव स्वस्थ विद, therefore they could go on and on। आजकल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं आजकल, उन दिनों में आज से पांडव इतनी तकलीफ के बीच में भी आत्महत्या के बारे में कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। ठीक है, थैंक यू, चल प्रभुपाद की, थैंक यू वेरी मच।